हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 के मल्टीपल फंदे लेंगे। 1 फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी 4 के गुड़े के हिसाब से आपको फंदा लेना है। 1 फंदा आपको ज़्यादा रखना है डिज़ाइन, तब आपकी अच्छे से सेट होके बन जाएगी। तो ये डिज़ाइन देखिए हम आगे की साइड से बनाएंगे। यहाँ पे 2 सलाइयों में हमने ये फंदे को डाला है, तो 1 सलाई हम यहाँ से ऐसे निकालते हैं। आप कोई सा भी सिलाई कैसे निकाल लेंगे धीरे से, ठीक। तो यहाँ पे हमने 4 के मल्टीपल फंदे लेके 1 फंदा एक्स्ट्रा रख के डिज़ाइन बनाना हम शुरू करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहले फंदे को हम यहाँ पे ऐसे सीधा बनाएंगे, ठीक, एज स्टिच का है ये। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे धागे को अपनी साइड लाएंगे, यहाँ पे 3 फंदे उतारेंगे, 1 2 3। धागे को अपनी साइड हमने किया है, 3 फंदे उतारने के बाद धागे को हम देखिए पीछे ले जाएंगे और 1 फंदा यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे, ठीक। फिर से धागे को अपनी साइड लाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे हमने यहाँ पे स्लिप किया। धागे को हम पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे। फिर से देखिए धागे को अपनी साइड लाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे हमने यहाँ पे स्लिप किया, पीछे का धागा है। और देखिए लास्ट में 1 फंदे यहाँ पे हम ऐसे बुन देंगे। पीछे की साइड से हर बार आपको सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाना है, कोई भी फंदा यहाँ पे हमें स्किप नहीं करना है। सभी फंदे को एक एक करते हुए हम उल्टा बना लेंगे। फिर से आ गए हम आगे की साइड, 1 फंदे को हम सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी साइड लाएंगे, 3 फंदा उतारेंगे, 1 2 3। जैसे भी हमने जो फर्स्ट रो बनाई सेम वही हमने भी रिपीट करना है। धागे को पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, 3 फंदे उतारेंगे, 1 2 3, धागे को पीछे, सॉरी, धागे को पीछे, 1 फंदा सीधा। जो आप ये फंदे मतलब धागे को आप अपनी साइड करके बनाएंगे, इसको थोड़ा सा आपको ढीला रखना है। फिर देखिए धागे को अपनी साइड लाएंगे, 3 फंदे, 1 2 3, धागे को पीछे ले गए, 1 फंदा लास्ट में यहाँ पे सीधा। फिर से हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे पीछे की साइड से। तो चलिए पीछे की साइड से सभी फंदे को बना लेते हैं। देखिए हम बना के आगे की साइड आ गए। पहले फंदे को हम बनाएंगे, धागे को अपनी साइड लाएंगे, फिर से यहाँ पे 1 2 3, 3 फंदे उतारेंगे, फिर से धागे को पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा। हमने ये ऐसे ही रिपीट करना है 3 बार। देखिए फिर से धागे को अपनी साइड, 3 फंदे उतारेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे 1 2 3, 3 धागे हो गए हैं ना। तो अब पीछे की साइड से फिर से हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना लेंगे। आप चाहें तो पहले फंदे को उतारें या बुनें, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब फिर से हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना के फिर आगे की साइड आते हैं। ये देखिए हम आगे की साइड आ गए बना के। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अब ध्यान देना होगा डिज़ाइन में। यहाँ पे हमने पहले फंदे को बनाया, फिर हम एक यहाँ पे जो 3 फंदा था यहाँ पे देखिए एज स्टिच के बाद हमने यहाँ पे 1 फंदा और बुना। अब देखिए ये 3 फंदा, 1 2 3, एज स्टिच का हम काउंट नहीं करेंगे, बस जो
धागे को आगे लाके हम तीन फंदे थे उसको देखिए, उसमें से एक फंदा हमने बुना है, एक फंदा ये सेंटर का है जो। अब देखिए यहाँ पे हम इन तीनों फंदों के देखिए एक दो तीन, ये देखिए तीन फंदे आपको दिख रहे हैं तीन लूप, इनको ले जाके इस फंदे से हम ऐसे देखिए, अरे सॉरी, इनको आप ऐसे एक एक करके और इन फंदों को बीच से ऐसे इसको हम ऐसे बना लेंगे, ये देखिए ऐसे। फिर से अब हम देखिए सेंटर में हमारा तीन फंदा गैप रहेगा, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम ये बीच वाले फंदे में एक दो तीन, तीन फंदा बीच वाले फंदे को हम ऐसे बुनेंगे, ध्यान से देखिएगा। फिर इसको हम ऐसे नीचे से ले आएंगे और इसको ऐसे गिरा देंगे, देखिए ऐसे। फिर से हम तीन फंदा बनाएंगे, एक दो तीन। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम एक ऐसे नीचे से आपको सिलाई डालना है, ध्यान से देखिएगा। जो हमारे यहाँ पे लूप है यहाँ नीचे से हम सिलाई को डाल के फिर डिज़ाइन बनाएंगे, दो तीन। फिर इसको हम इसमें ऐसे बुनेंगे और इसको ऐसे नीचे से ला के फिर इस वाले फंदे को ऐसे हम गिरा देंगे, लास्ट हमारे दो फंदे सीधे आएंगे, इनको बुन लेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने दो फंदे सीधे बना के बनाया था वैसे हमारा लास्ट में भी दो फंदे आएंगे। अब देखिए ये हमारे डिज़ाइन कुछ ऐसे बन के आप लोग को दिख रही होगी, ठीक। अब पीछे की साइड से सभी फंदे को उठा उठा पहले फंदे को उतार लेते हैं, बाकी के फंदे को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। अब आ गए हम फिर से आगे की साइड, तो यहाँ पे हम सभी फंदे को सीधा सीधा भी बनाएंगे, अभी हमने डिज़ाइन नहीं बनाना है, हमने एक सलाई सभी फंदे को सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिए सभी फंदे को सीधा सीधा बना लिया। अब हम पीछे की साइड से भी एक सलाई को सीधा सीधा ही बुनेंगे सभी फंदे को, आगे की साइड से भी सीधा सीधा और पीछे की साइड से भी सीधा सीधा हमने सभी फंदे को बनाना है। देखिए यहाँ पे हमारा एक गार्टर स्टिच वाली आ गई लाइन, ये देखिए डिज़ाइन बनने के बाद एक लाइन हमारा यहाँ पे ऐसे ये उल्टी उल्टी की आ गई। अब फिर से हम एक लाइन सीधे की साइड से सीधा सीधा, उल्टे की साइड से उल्टा उल्टा बना के फिर से हमने यही डिज़ाइन रिपीट करनी है जो हमने अभी नीचे बनाया हुआ है, ये वाली छह सलाई दोनों साइड से मिला के छह सलाई हमने ये बना के फिर सेम यही हमने प्रोसेस करना है। ऐसे ही डिज़ाइन ऊपर बनती जाएगी, डिज़ाइन बनाने के बाद फिर से आपको ये एक सलाई दोनों साइड से सीधा सीधा बनाना है, फिर से ऊपर की साइड हम एक सलाई सीधा पीछे की साइड से उल्टा, फिर ये डिज़ाइन हमारा रिपीट होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।